हिजबुल्ला को मिटाने की धमकी दे दी है। लेकिन अब हिजबुल्ला ने एंटी टैंक मिसाइल से हमला करना शुरू कर दिया है और इसके बाद इसराइल में दो मोर्चों पर जंग की शुरुआत हो गई है। एक तरफ इसराइल गाजा को कंट्रोल करने में जुटा है तो दूसरी चुनौती हिजबुल्ला से निपटने की है। अक्टूबर 2023, हिजबुल्ला एक के बाद एक कई मिसाइल फायर करता है। पहला हमला टावर उड़ गया, दूसरा हमला रेडार तबाह हो गया। तीसरा हमला एक और अड्डा तहस नहस हो गया। ये जगह है लेबनान और इजराइल के बॉर्डर पर शीबा फार्म्स का इलाका, दुनिया के सबसे खतरनाक बॉर्डर्स में से एक। और यहां बने हैं इसराइल के 5 बहुत ही खतरनाक अड्डे, अड्डा नंबर 1, अड्डा नंबर 2, अड्डा नंबर 3, अड्डा नंबर 4, अड्डा नंबर 5। ये जगह गोलान की पहाड़ियों के उत्तर में है और यहां पहाड़ों की ऊंचाई 1500 मीटर तक है। नीचे लेबनान का इलाका और यहीं से अटैक लॉन्च किया गया। इस ग्राफिक से समझ सकते हैं इस इलाके की टोपोग्राफी, कौन कहां मौजूद है, कौन सा इलाका किसके पास है। अब यहां क्या हुआ बहुत गौर से देखिएगा। यहां लेबनान के इलाके में हिजबुल्ला का पूरा कंट्रोल है और उसने निकाली 3 बहुत ही खतरनाक एंटी टैंक मिसाइल और मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर। ये मिसाइल ईरान से सप्लाई की जाती रही है और ऐसी मिसाइलों का हिजबुल्ला के पास बहुत बड़ा जखीरा है। हिजबुल्ला ने 3 तरह के एंटी टैंक गाइडेड मिसाइलें इस्तेमाल की। ये है कॉर्नेट, इसकी रेंज 5 किलोमीटर तक है। ये रूस की मिसाइल है लेकिन अब ईरान इसका देसी वर्जन देहलाविया तैयार कर चुका है और ऐसी बहुत सी मिसाइल अब हिजबुल्ला के पास है। दूसरी है BGM-71 TOW एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल, रेंज है 3.5 किलोमीटर। यह अमेरिका में बनी मिसाइल है लेकिन अब इसकी नकल ईरान तैयार कर रहा है और इसने हिजबुल्ला को सप्लाई की है। तीसरी है 85 कॉनकोर्स, रेंज 4 किलोमीटर। ये भी रूस ने बनाई है और अब ईरान में ये तोसान नाम से तैयार की जा रही है। तीनों मिसाइल बहुत ही घातक हैं और जिस तरह से इन्होंने इसराइल के अड्डे उड़ाए हैं उससे ये बात साबित हो जाती है। हिजबुल्ला का दावा है कि उसने ये हमला लेबनान में इसराइल के हमले के जवाब में किया। इसराइल के हमले में एक पत्रकार की मौत हुई है जबकि कई घायल हुए हैं। इस वीडियो में देखा जा सकता है कि कुछ पत्रकार घायल हालत में हैं और पास ही एक गाड़ी चल रही है। इसराइल पर इस हमले का आरोप लगा है। अब लेबनान में इस मर्डर को लेकर इसराइल को लेकर बहुत गुस्सा फैल चुका है। इसराइल के खिलाफ बेरूत में लगातार प्रदर्शन हो रहे हैं। इसी को देखते हुए अब हिजबुल्ला ने क्या किया है वो बहुत गौर से देखिएगा। सबसे पहले इसराइल का अड्डा नंबर 1 शतुला इलाके में बने इस अड्डे पर हिजबुल्ला ने किया पहला हमला। हिजबुल्ला ने कॉर्नेट मिसाइल से अटैक किया जो सीधा जाकर इसराइल का एक टावर उड़ा देती है। हिजबुल्ला की ये रेंज देखकर इसराइल के कैंप में खलबली सी मच गई क्योंकि निशाना भी बिल्कुल सटीक लगा और टावर पूरी तरह से तबाह हो गया। इसके बाद टारगेट बना इसराइल का अड्डा नंबर 2, ये भी शतुला इलाके में है और यहाँ हिजबुल्ला ने किया दूसरा हमला। इस बार हिजबुल्ला ने BGM-71 TOW एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल का इस्तेमाल किया। अमेरिका में बनी यह मिसाइल इतनी सटीक है कि इसने ठीक रेडार स्टेशन को तबाह किया।
ऐसा निशाना देखकर कोई भी दुश्मन डर जाएगा। इसके बाद टारगेट बना इसराइल का अड्डा नंबर 3। ये भी शतुला इलाके के करीब है और यहाँ हिजबुल्ला ने किया तीसरा हमला। इस बार हिजबुल्ला ने कॉन्कोर्स एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल फायर की। रूस की ये वायर गाइडेड मिसाइल भी इसराइल के एक ठिकाने को खत्म कर देती है। इसके बाद चौथे और पांचवें अड्डे पर भी हिजबुल्ला अपनी बाकी मिसाइलों और मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर से हमला करता है और उनका भी वही हश्र होता है जो बाकी अड्डों का हुआ है। हिजबुल्ला का दावा है कि इन हमलों में इसराइल को भारी नुकसान हुआ है और उसके कई सैनिक भी मारे गए हैं। צה"ל הגיב בירי והשמיד עמדות חיזבאללה ואת מקור האש. כמו כן, בוצע ירי למוצב צבאי, אין נפגעים, גם שם צה"ל הגיב באש לעבר מקורות הירי.